मैं चमकती हुई मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी, अकाल मूर्त आत्मा, अकाल तख्त पर विराजमान, मैं परम पवित्र हूँ, शांति की शक्ति से भरपूर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, ये किरणें मेरे चारों ओर एक बहुत आकर्षक आभा मंडल बना रही हैं। मैं इस दिव्य आभा मंडल के बीच में हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, भगवान के साथ पाठ बजाने वाली हीरो एक्टर हूँ, इस देह से न्यारी निराकार हूँ,
शरीर जैसे कि है ही नहीं, मैं चमकती मणि हूं। उड़ चली अपने धाम, परम धाम बहुत प्यारा घर, चारों ओर स्वीट साइलेंस, मन भावन शांति। मैं अपने घर में हूं, परम शांति में। यहां की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। इस संसार में आने से पहले मैं यहीं अपनी मुक्त अवस्था में थी। ऊपर चमक रही है महाज्योति, सृष्टि के बीच सत्चित्तानंद के सागर, ज्ञान सूर्य। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर दूर दूर तक फैल रही हैं।
वे नवयुग के रचयिता, भाग्य नियंता। संपूर्ण निरहंकारी और निराकार, उनको देख देख मन परमानंद से भर गया है। उनकी तेजस्वी किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं उनके फाउंटेन के नीचे हूँ। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। परमात्मा शक्तियां स्वयं में भरकर मैं आत्मा अवतरित होरी अपनी देह में। ब्रकुटी की कुटिया में मेरा शरीर प्रकाश का है। मैं इसमें विराजमान फरिश्ता हूं।
मैं फरिश्ता हूं। उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर मैं पूर्वज सभी की पालना करने वाला बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये परमात्म शक्तियां मुझ में समाकर नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। सभी धर्मों की शाखाओं में जा रही हैं। संकल्प करें सभी निर्बल आत्माओं को बल प्राप्त हो। सभी अपने मूल संस्कारों को पहचाने। सभी के भय दूर हों। मैं फरिश्ता आकाश में
मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। ये प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को पाकर सत्व प्रधान बनती है। बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनकी पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ में समा रही हैं, जैसे कि ऊपर से पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। इन पवित्र गोल्डन किरणों से पूरा आकाश मंडल भर गया है। ये पवित्र किरणें चारों ओर प्रकृति में समा रही हैं। मुझे स्पर्श करके पावन होकर बह रही है।
यहां से मैं फरिश्ता हूं, उड़कर चला सूक्ष्म लोक, आकाश के ऊपर देखें अपने को, सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया, सामने बाप दादा विराजमान हैं अपने तेजस्वी प्रभामंडल के बीच में। बहुत आकर्षक स्वरूप, मस्तक में सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं। ये वही हैं जिनसे हम युगों से मिलना चाहते थे, अब ये आत्मा और परमात्मा का सुखद मिलन हो रहा है। ये हमारे परम सद्गुरु, परम शिक्षक भी हैं। दृष्टि दे रहे हैं, thank you.
मस्तक पर तिलक लगाया। वरदान दे रहे हैं बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, स्थिर बुद्धि भव, माया जीत भव, सफलता मूर्त भव, और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से बहुत सुखदायी किरणें मुझ में समाने लगी। स्मृति दिला रहे हैं बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हो, तुम्हारा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तुम सब की पालना करने वाले पूर्वज हो, तुम इस जहान के नूर हो, सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो, तुम इतनी महान आत्मा हो, तुम्हारे दर्शन करने से ही भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
तुम सभी के उद्धार करने वाले मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाले हो। दृष्टि दे रहे हैं, और बोले बच्चे तुम संसार के कल्याण के लिए उसे दृष्टि दो। और मैं फरिश्ता उड़ गया, एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गया। सारे संसार को दृष्टि दें, मस्तक से और नैनों से पवित्र गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब मैं आत्मा उड़कर बैठ गई बाबा के समीप निराकार स्थिति में, अपने खुदा दोस्त के पास जो अपना सब कुछ मुझे देने आया है। सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास, अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ
प्रभु तेरा।